नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हालात दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है और वहां पाकिस्तान में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट रौफ क्लासरा साहब ने एक बयान दिया जिनके अनुसार पाकिस्तान के 10 प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स मिला के भी एक हमारे पीएम मोदी साहब का मुकाबला नहीं कर सकते। और इस वीडियो में आप देखेंगे हम सबके जाने पहचाने फॉर्मर डिप्लोमैट दीपक वोहरा साहब को पाकिस्तानियों को समझाते हुए कि उनमें और हम में क्या फर्क है। कुछ ट्रेंड्स को एनालाइज करके बता सकते हैं कि ये होने वाला है, लेकिन आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे क्योंकि मैं काफिर हूँ। 1990-91 हम बिल्कुल वहीं थे जहां आप आज। हमारी करेंसी डिवैल्यू हो गई थी, हमारा डेट बढ़ रहा था, हमारे इंपोर्ट्स बढ़ रहे थे, एक्सपोर्ट्स घट रहे थे, अबाउट 15-20% इन्फ्लेशन चल रहा था, यहाँ तक कि हमारे पास $1 बिलियन से कम फॉरेन एक्सचेंज रह गई और हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। दैट वॉज इन 1991 और 32 साल के बाद वी आर सिटिंग ऑन $600 बिलियन। उस समय $1 बिलियन थे। What can you learn from what we did? सबसे बड़ी चीज, सबसे जरूरी चीज ये होती है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। दूसरी चीज आती है सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान, और तीसरा है आत्मनिर्भरता। कुछ हद तक हमें सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ता है। इंडिया को उतनी जरूरत नहीं है फिल वक्त पाकिस्तान की, पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान कैन बी ए हेडेक, एंड जब तक वो हेडेक भी कम है तो इंडिया कैन अफोर्ड टू इग्नोर इट एट द मोमेंट, बट आई डोंट थिंक पाकिस्तान कैन अफोर्ड टू इग्नोर इंडिया एट ऑल। इंडिया को तो अवॉइड नहीं कर सकते, नोबडी कैन अवॉइड इंडिया नाउ। इट्स लाइक सेइंग आई विल नॉट एंगेज विद अमेरिका। यू कैन अवॉइड जर्मनी एंड मेनी यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस को आप अवॉइड कर सकते हैं, बट यू कांट अवॉइड इंडिया। इट्स क्लियरली इन द टॉप 3 or 4 कंट्रीज इन द वर्ल्ड टुडे। हमारा जब जंग हुआ था 65 में पाकिस्तान के साथ, 66 में बरसात नहीं हुई थी भारत में। मेरी माँ, जिसे मैं भारत कहता हूँ, फटी हुई थी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और हमसे कहा गया था कि सोमवार को भोजन मत खाओ। 52 दिन 1966 में मैं भूखा सोया। मिसेस गांधी गई अमेरिका अनाज मांग। एक अमेरिकन न्यूज़पेपर लिखता है कि इंडियन लीडर हैज कम बेगिंग, और ये उनसे कहा गया कि आप बच्चे पैदा करते हो खूब, लेकिन अनाज नहीं पैदा करने पाते। देन शी केम बैक, अपने सेक्रेटरी से कहा कि वी विल नेवर बेग फॉर फूड अगेन। और बेटी, टुडे वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड इन द वर्ल्ड। तो वो डिटर्मिनेशन था, वो डिसीजन था। ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ये मिसेस गांधी ने नहीं किया था। वो खेतों में नहीं गई थी काम करने के लिए, ये किसान थे, ये सिविल सर्वेंट थे, ये साइंटिस्ट थे, ये डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, ये आम आदमी, ये भारत का साधारण बेटा मेरे जैसा। हम लोगों ने कहा कि अब फिर नहीं किसी के सामने झोला फैलाएंगे अनाज के लिए। तब से आज तक नहीं किया, अब तो बहुत कंफर्टेबल है। 4 साल तक अगर हम एग्रीकल्चर शट डाउन कर दें, हम अपने लोगों को खिला सकते। मैं पाकिस्तान लीडरशिप को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप दुनिया में, आप कहीं भी जाएंगे ना, आप इंडियंस ही नजर आएंगे। फॉर एग्जांपल, आप IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट थी, वो हार्वर्ड की प्रोफेसर है, वो इंडियन ओरिजिन की है, नॉट बोर्न इन द US, वो इंडिया से आई हुई है, एंड नाउ शी हैज बिकम, आई थिंक, इज अमंग द टॉप 3 एट IMF। सो इफ यू आर गोइंग टू गो टू IMF, यू आर गोइंग टू रन इनटू इंडियंस। जो बांग्लादेश का जो नेगोशिएशंस हुआ है IMF से, दैट पर्सन वाज आल्सो इंडियन डायस्पोरा का ही बंदा था। आप इंग्लैंड जाएंगे तो ऋषि सुनाक से बात करना पड़ेगा, यहाँ आएगा तो हो सकता निकी हेली से बात करना पड़ा। They are not going to be interested in Kashmir. They are saying we have other issues that we want to talk about. So I have a feeling कि ये बस अपनी public में hero बनने की जो कोशिश है, that is what it is, to playing to the domestic audience. दिल्ली के लाल किले से हमारी Independence Day का address to the nation होता by the Prime Minister. और पिछले साल मैम एक चाय वाला आके कहता है, मैं आपको एक mission देता, by 2047 आप developed country. मैं जिंदा नहीं रहूँगा, मेरे लिए तो vision है, लेकिन मेरे बच्चों के लिए वो एक mission है। हम बात कर रहे हैं 2047, अब 24 साल बचे। पूछा कि भाई मैंने 2047 का एम दिया है, कर दोगे? हमारा जवाब क्या था कि कर देंगे और 2047 से बहुत पहले कर देंगे। You know, we are going berserk at this time. The infrastructure binge. हम पागल हो गए, धड़ाधड़ धड़ाधड़ सड़कें बन रही है। So infrastructure drives the economy. So now I know मुझे किधर जाना है। I don't see that coming from your side. हर चीज पे इंशाल्लाह ये होगा, इंशाल्लाह वो होगा, इंशाल्लाह। Come on guys, आप लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे में? What is your vision? हमारे मतलब एक वहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, हमारे देखें एक भी इनमें से मैच नहीं कर सका परफॉर्मेंस को। जरा देखते हैं कि कोई एक बंदा हमारे यहाँ नहीं निकला जो बैठ के टीवी पे ये कह सके, जो नरेंद्र मोदी साहब ने कहा, जी मैंने कोई एक भी नहीं रखे, सारे के सारे मैंने जमा करवाए, ऑक्शन करे, पैसा एजुकेशन में डाला। जरा मुशर्रफ साहब, उनके वजीरों को छोड़ किसी वजीर ने जमा नहीं करवाया। इसका शौकत
मुफ्ती साहब 25 करोड़ रुपए के उस वक्त तहफ लेकर गए थे। इसके बाद जनाब जफरुल्ला जमाली साहब सारे तहफ लेकर गए, चौधरी शुजात साहब बने कुछ अरसे वजीर आजम वो लेकर गए, इसके बाद गिलानी साहब आए तो वो वजीर आजम बने वो सारे तहफ लेके गए, उसमें उसके बाद सदर जरदारी साहब आए वो सारे तहफ लेके गए, फिर अगर राजा प्रदेश साहब के बाद हमने देखा नवाज शरीफ साहब है वो आपने कच्चा चट्टा सुन लिया, इसके बाद शाहिद खान अब्बासी साहब बने वजीर आजम वो ले गए, इमरान खान साहब बने वो सारे के सारे तहफ ले गए, मतलब जो कीमती तहफ। इसके बाद जनाब शहबाज शरीफ साहब है इनका भी वो प्रोसेस में है चीजें वो देख रहे हैं। पाकिस्तान के सीनियर सहाफी रऊफ क्लासरा ने एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने पाकिस्तान के 10 प्राइम मिनिस्टर एक तरफ और इंडिया का एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक तरफ। बिल्कुल रऊफ क्लासरा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, जब से नरेंद्र मोदी आए हैं इंडिया का डेवलपमेंट रेट बहुत हाई हो गया, और दूसरा ये कि नरेंद्र मोदी जो है काबिल इंसान है, हमारे लाख इख्तलाफात इंडिया के साथ लेकिन नरेंद्र मोदी काबिल इंसान सिर्फ मुल्क के लिए काम कर, दुश्मनी हमारी एक अलग जगह पे है, दुश्मनी भी हमारी क्यों दुश्मनी है यार वो समझ नहीं रखनी, दुश्मनी क्यों रखनी भाई, हमारा बच्चा जब पैदा होता है ना उसके कानून डाल देते हैं पुत्र इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। व्हाट एल्स पाकिस्तान? एलिस इन वंडरलैंड में एलिस चेशायर कैट से पूछती है कि मुझे बाहर जाने का रास्ता बताओ, चेशायर कैट कहती है दैट डिपेंड्स तुम जाना कहां चाहते हो, एलिस कहती है मुझे तो मालूम नहीं है, तो चेशायर कैट कहती है फिर कोई भी रास्ता ले लो। व्हाट इज योर फ्यूचर, हैव यू डिसाइडेड, आपने डिटरमिन किया आप कहां जाना चाहते हो? देखिए हमारी कौम का आलमिया ये है कि हम चावल के प्लेट में बिक जाते हैं, कीमे वाले नान पे बिक जाते हैं, बिरयानी पे बिरयानी पे बिक जाते हैं, हमारा ये आलमिया है, हमें किसी के कहने पर जाकर किसी और के ऊपर मोर नहीं लगा सकते जाके। नो वन रियली सीम्स टू केयर, जो एलीट है आपकी अपने आप के बारे में सोचती है, शायद ये दो IMF और चाइना पाकिस्तान को बचा लेंगे लेकिन उसके बाद पाकिस्तान को पाकिस्तानियों से कौन बचाएगा? एक पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे कहते हैं कि पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री पे IMF भरोसा नहीं करता क्योंकि आपके पास कॉम्पिटेंस नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है। नरेंद्र मोदी ने जो भी उसे मिला है हुकूमती उसमें प्राइम मिनिस्टर उसने अपने एजुकेशन सिस्टम अपने मुल्क पे लगाया है, अब हमें पता चलता है कि नरेंद्र मोदी हमारे हुक्मरानों से बहुत बेहतर है, लाजमी सी बात है उसको ये वर्ल्ड वाइड भी उसे पसंद किया जा रहा है तो ये उसकी काबिलियत है, उसमें कुछ तो ऐसा है ना कि वो अपनी आवाम के लिए काम करे। सिर्फ आपको प्राइम मिनिस्टर्स गिनवाए मिनिस्टर्स नहीं गिनवाया इसमें, इसमें बात सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी नहीं गिनवाई मैंने, ये कितने लोग बनते हैं सर 800-900 बनते हैं ना, एक भी इन 20 सालों में हमारा नहीं निकला, कोई एक भी नहीं निकला जो नरेंद्र मोदी साहब के मुकाबले में आज दावे से कह सकता कि मैंने सारी चीजें जमा करवाई और उनको ऑक्शन करवाया और पैसा जो है वो मैं गर्ल्स एजुकेशन पर जमा कर, सारे घर ले गए पैसे, या रिश्तेदार ले गए, किसी की बीवी ले गई तो किसी का भाई ले गया तो किसी का बेटा ले गया तो किसी का कुछ ले गया, हमारे जब से शुरू हुए 75 साल हो गए अब तक लूटते ही हैं, खा ही रहे हैं बस, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह के खाते रहेंगे। बहरहाल आप लोग जारी रखें सर अपने अपने पसंद के लुटेरे का दिफा जारी रखें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।